हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, यहाँ सुबह का टाइम हो गया है और बच्चे सब स्कूल जा चुके हैं। और जो डेली रूटीन होता है मेरा, नहा धो के पूजा करना और खाना वाना हो चुका है। और मुझे कहीं जाना था तो मुझे किसी से मिलने जाना है, तो मैं मिल के आती हूँ फिर आपसे। जब तक आप ब्लॉग में बने रहें। तो मैं यहाँ मिल के आ चुकी हूँ और बच्चों को भी स्कूल से लेती भी आई हूँ। और बच्चों का मूड कर रहा है मैगी खाने का, तो मैंने सोचा चलो मैगी ही बना देते हैं। तो मैं यहाँ लग गई हूँ फटाफट मैगी बनाने में। तो आप देख सकते हो गाइस, कढ़ाई में मैंने प्याज और हरी मिर्च छोंक दिया है। और आप कैसे मैगी बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं इस तरह से मैगी बनाती हूँ। मैंने आलू और टमाटर मटर काट के, और पहले आलू प्याज और हरी मिर्च में, मतलब आलू मटर तड़का लगा दिया, और फिर उसके बाद में सारे मसाले ऐड करके मैगी डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब ये बन जाएंगी मैगी। आप कैसे बनाते हैं ज़रूर बताना। सो गुड इवनिंग गाइस, यहाँ हो चुकी है शाम और शाम को हो जाता है चाय का टाइम। तो गाइज़, मैंने सोचा चाय के साथ में आज पकोड़े भी तल लिए जाए, तो मैं यहाँ लग गई हूँ फटाफट पकोड़े बनाने में। तो गाइज़, आप भी ब्लॉग में बने रहें और पकोड़ों को ज्वाइन कीजिए। ओ, क्या खरीद के लाया ये? केक? चाकू और केक। बैठो इधर। क्या लेके आया अभी? वाओ, केक। रुको रुको, अभी इसको खोल दो, अच्छे से खोल दे अभी। ये तो कटा हुआ है। तो आज क्या करेंगे? केक की पार्टी? चलो आओ खाओ, आप भी ले लो एक। पापा जी आ जाओ, उठाओ, पहले भगवान जी को थोड़ा सा चढ़ा दो। किसी का बर्थडे बर्थडे नहीं है, बस ऐसे ही केक खाने का मूड था इसलिए केक खा रहे हैं। पेस्ट्रीज ले लो। बस काटने की जरूरत नहीं, उठाओ के खा लो। पेस्ट्री मंगवाई मैंने ये। खाओ। वाह, आप भी लो एक मेरा। अच्छे से खाओ, इनको भी खिला दो। आराम से यार।